और एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे तभी हम अपने जम्मू को आगे बढ़ा सकते हैं। गाइस देख लो आप पानी कितना प्यारा आ रहा है, क्रिस्टल वाटर आ रहा है। ऐसे रोहित ये रियासी रहता है, क्या हाल है? घुमा फिर रियासी, चलो भाई चलो। सो गाइस सबसे पहले लोकेशन में आए हैं यहाँ पर अगर बाबा जी तो यहाँ पर चलते हैं और सीधे दर्शन करते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं बाबा जी तो चलो यहाँ पर चलते हैं और पूरा आपको बताऊंगा मैं नौ देवियाँ वगैरह जितने जितना हो सका सारा मैं आपको ट्रैवल करके यहाँ बताऊंगा। रियासी का पूरा ब्लॉग मिलेगा, काफ़ी दिनों के बाद मिलेगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अंदर चलते हैं, अंदर मत्था टेकते हैं। सो गाइस हम जीतो मंदिर वगैरह पूरा मत्था वगैरह टेक लिया हुआ, आप यहाँ से निकलते हैं सीधे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिलते हैं आपको। ये पूरा मंदिर है, इस साइड नीचे वाली साइड भी है, यहाँ पर भंडारा वगैरह भी लगा हुआ था, अभी लोग खा रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है बाबा जी तो आगे आगे और आपको इंटरेस्टिंग सा कंटेंट मिलते रहेगा। बस आपने क्या करना है, निक्की के चैनल को सब्सक्राइब करना, जाके करो। और गाइस आप ये वाला रास्ता चेक करो कितना प्यार हो रहा है। हम जब मैं छोटे होते आए थे ना वहाँ हम नहाते थे उस एरिया पे, और ये मंदिर है यहाँ पर और ये पुल है, यहाँ भी पानी जा रहा है देख लो, और वहाँ हम नहाते थे और यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं सारा कुछ, मज़ा आ रहा होगा ना आपको देखने में। दादी हम सब ने मत्था टेक लिया हुआ यहाँ पर ही। सो गाइस हम निकल चुके हैं बाबा जीतो जी के मंदिर से, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वहाँ बताते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं नौ देवियाँ, चलते हैं सीधे अभी। सो गाइस अभी मैं और दादी हैं, दादी आपको मज़ा आ रहा है? आ रहा है, मज़ा आ रहा है? फूल ले लो, मुझे फूल ले लो पहले, चलते हैं सीधे भी आपसे सही करते हैं। तो ये रास्ता है ये पूरा नौ देवियाँ का। सो गाइस नौ देवियाँ का रास्ता ये है, ऐसे तो काफ़ी रश होता है पर आज रश नहीं है, ऐसे संडे ही है और यहाँ पर दुकानें भी मिल जाएंगी आपको साथ साथ में, और पानी भी यहाँ पर देख लो बह रहा है, ये देख लो पानी तो यहाँ पर रश इतना होता है ना। तो यहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह भी मिल जाएगा और यहाँ पर शॉप्स भी हैं सारी, मैंने पहले भी ब्लॉग में बनाया हुआ है बड़ी बारी, मतलब नौ देवी रियासी बड़ा कवर किया हुआ है, फिर से 2024 में फिर से भी देख लो आप लोग। सो गाइस ये रास्ता हो रहा है यहाँ से जाने का, तो चलते हैं यहाँ से सीधे और यहाँ पे शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। सो गाइस देख लो दर्शन वगैरह कर लो। सो गाइस इतना पीस है ना कसम से इस जगह में, इतना पीस है ना मैं बता नहीं सकता, मज़ा आ गया, बहुत पीस है ये देखो कितनी प्यारी जगह है। सो गाइस यहाँ से हमें नीचे झुक के जाना पड़ेगा। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं सीधे अंदर क्रॉस करते हैं गुफा, से क्रॉस करना पड़ रहा है। नौ माताओं दर्शन से मंदिर लग रहे हैं, मुकुल लगे छोटे छोटे में, एक साइड पर गणेश दर्शन। और गाइस यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं गाइस, और यहाँ से हम निकल रहे हैं अभी देखो, यहाँ से हम निकल चुके हैं, आपने अंदर देखा होगा झुक झुक के जाना पड़ता है बट मज़ा आता है। इस पहले हम यहाँ आते थे ना, यहाँ लोग नहाते थे, अभी भी नहा रहे हैं, बल ये वाला यहाँ भी बिल्कुल पानी होता है, अभी ये चीज़ यहाँ पर बंद कर दी हुई है, ऊपर लोग नहा रहे हैं। सो इस पहले हम यहाँ पर नहाते थे, ये एरिया पूरा यहाँ पर बंद हो चुका है देख लो आप, और ये वाला पानी यहाँ से आ रहा है और लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। ये होता है मज़ा गाइस देख लो आप, पानी कितना प्यारा आ रहा है, क्रिस्टल वाटर आ रहा है और अलग लेवल का मज़ा, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, हर बस पानी पानी। सो गाइस नौ देवी वगैरह भी हमने दर्शन कर लिए, यहाँ से निकलते हैं अब, यहाँ भी दर्शन कर लिए हुए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर बाबा डंसल,
तो बाबा डंसल यहाँ पे आप दर्शन करते हैं, चलते हैं। सो गाइस ये रास्ता है बाबा डंसल जाने का, ये वाला चलना तो पड़ता है यहाँ पर भाई। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा आपको वैष्णो देवी गली दिखती है आपको रोडे, वैसा ही पूरा फीलिंग आ रही है। सो गाइस इन मंकीज को देखना कितना एंजॉय कर रहे हैं पानी में, ये देखो ओए वो लड़के। सो गाइस ये पूरी लोकेशन है बाबा डंसल की, काफी मजा आया। अभी अंदर दर्शन भी करवाते हैं आपको। ये बंदर देखो कितने प्यारे प्यारे से खेल रहे हैं यहाँ पर, और पानी देखो यहाँ पर। तो आगे जा रहे हैं हम सीधे श्याम माता दी, पानी देखो साथ साथ चल रहा है। सो गाइस ये देखो पानी कितना प्यारा हो रहा है यहाँ पर, पूरा ब्लू ब्लू क्रिस्टल लग रहा है आपको ऐसे। और वहाँ पर देखो आगे, वहाँ से भी दिखाता हूँ, ये पूरा मंदिर है, बड़ा ही प्यारा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। अब देख लो मंकी मुझे देख रहा है कि नहीं, कर रहा क्या है भाई, ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। ये देख लो लोग भी आए हैं यहाँ पर, यहाँ पर मत्था वगैरह देखते हैं अभी और यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस अब ये वाला व्यू चेक करो आप, कितना प्यारा व्यू हो रहा है देख लो। आई थिंक मैं ना 10 साल पहले आया था, बट अभी मेरे को वैसे ही पूरी वाइब्स तो वैसी ही आ रही है बिल्कुल। पहले तो काफ़ी ज़्यादा पानी होता था, यहाँ तो फ्लो में पानी होता था, मैं बता नहीं सकता आपको। देख लो और ठंडी हवा का महसूस हो रहा है ना, तो कैसे यहाँ पर मंकी बैठा ना, मंकी का स्टाइल देखा, मंकी ने क्या करना, भाग गया पानी की तलाश में का। तो देखो कितना प्यारा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, मज़ा आ रहा है बैठने का, पीस मिल रहा है। अरे हमारे कैप्टन साहब भी आते हुए, आई नो कौन है कैप्टन मुझे नहीं पता, बट देख लो कितना प्यारा है। सब एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दो बस। सो कैसे हमने मत्था वगैरह यहाँ पर टेक लिया हुआ है, दिक्कत थोड़ा मेरे फैल गया, यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में लेके चलते हैं और लंच भी कर लेते हैं, लंच भी नहीं किया अभी तक, तो पहले वो भी कर लेते हैं। सो गाइस हमने बाबा डंसल वगैरह दर्शन वगैरह कर लिए, अब यहाँ से हम पौड़ियाँ चढ़ रहे हैं, पौड़ियाँ चढ़ रहे हैं, देख लो बताता हूँ आपको मैं, ये इतनी पौड़ियाँ चढ़ के आए हम। सो गाइस हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सुल्ला पार्क, तो यहाँ भी हम काफ़ी नहाए हैं इस एरिया में, बताता हूँ यहाँ मंदिर भी है। सो ये हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, हम अपने स्कूल की पिकनिक के साथ भी आए थे एक दिन यहाँ पर, हमने पिक खाना भी ना खाया था, लोग भी अभी खा रहे हैं, घर से खाना बना के लाते हैं तो यहाँ खाते हैं। और यहाँ मंदिर भी है प्यारा सा, देख लो आप पानी देख लो यहाँ पर है, थोड़ा सा पानी है। सो गाइस हमारे साथ सेम जी है, आपके तो काफी ज्यादा फैन है आपके भाई, और साथ सुल्ला पार्क में आया हूं अपने फैमिली के साथ। हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर, और रियासी के सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्यार, हमेशा हंसते रहो, खुश रहो और हमारी वीडियोस देखते रहो। लव यू ट्रक वर्ग भैया, और आपको भी आपके चैनल का क्या नाम है भाई, निखिल शर्मा व्लॉग्स को भी भाई फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जितना शेयर कमेंट हो सकता है करो, और एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे तभी हम अपने जम्मू को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू बाबा। यहाँ भी पता आपको थोड़े काफ़ी सालों पहले कोई यहाँ पर काफ़ी डिजास्टर फील हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर बंद कर दी, नीचे ज़्यादा बंद कर दी, वो कितना प्यारा लग रहा है। गाइस देख लो आप, यहाँ लास्ट हमारा, यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। सो गाइस अब ये व्यू चेक करो, देख लो ये मेरे पीछे लोग उधर नीचे हमें मार, यहाँ मैं बड़ी बार आया हूँ, यहाँ हमारे स्कूल की पिकनिक भी आई थी, वहाँ मंदिर भी था, वहाँ इतना रश होता था इस एरिया में, बट जब डिजास्टर हुई थी यहाँ पूरा पहाड़ ऊपर से गिरा था, काफ़ी लोगों की डेथ्स भी हुई थी, अब यहाँ पर नीचे जाना मना कर दिया हुआ इस जगह पर। और गाइस आपने सेम पंडोज जी को देखा, वो भी वहाँ पर थे, उनकी वाइफ भी थी, सारे थे वहाँ पर, उनसे भी मैंने थोड़ा बातें बूते की आपने देखा आएगा, वो भी आए हैं, वो भी काफ़ी कहते हैं हम भी आए हैं इन्जॉय करने। और गाइस यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा शिवलिंग है, मंदिर है प्यारा सा। सो गाइस ये रोहित, ये रियासी रहता है, क्या हाल है? घुमा फिर रियासी, चलो भाई चलो काम है। गाइस रोहित की गाड़ी में किडनैप कर लेता हूँ, रोहित की गाड़ी में निकाल लेता हूँ, और यहाँ से चलते हैं ऊपर से आया रोहित हमारा, आपको पता बचपन का फ्रेंड, मैं सोच रहा हूँ मैं ही चलाऊँ इसकी गाड़ी, और मैं ही इसकी गाड़ी का अब मैं ले जाऊंगा गाड़ी इसकी, देख लो भाई समझा रहा है सारा कुछ, तो यहाँ से आया रोहित देख लो थोड़ी मैं हर संडे को जाता हूँ। ओके भाई। सो गाइस इन द लास्ट हम आए यहाँ पर पंजाबी हवेली, तो यहाँ पर ही आप मतलब लंच भी नहीं किया हुआ, एक किस्म का डिनर सब कुछ यहाँ ही करने वाले हैं, तो यहाँ से चलते हैं।
खाते हैं और बताते हैं क्या क्या खा रहे हैं। तो ये देख लो। सो गाइस हमने वॉशरूम वगैरह कर लिए। वॉशरूम तो आप सबने देखे हुए हैं कितने भी हरा चौक जितने खाते हैं और लोग यहाँ पर फोटोज वगैरह भी क्लिक कर रहे हैं ट्रक के ऊपर देख लो। चल चलते हैं। सो गाइस बस हम खाना खाने वाले हैं, तब तक आप थोड़ा व्यू इन्जॉय कीजिए और मुझे बताइए ये मैट लाइट क्यों बंद हुआ है। हाईवे पे मेन रोड पे सो गाइस मेरे फेवरेट फ्राइड राइस आ चुके हैं तो खाते हैं निकलते हैं। सो गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट आ चुका मेरा वाटरमेलन ब्लू लगन जो मेरा फेवरेट है। सो गाइस थोड़ा ये सामान वगैरह पैक करवा लिया और ये मेरे से पिए नहीं जा रहा था तो मेरे को लगा कि गाड़ी में आके पीते हैं यहाँ पे से, मतलब पिए नहीं जा रहा है तो व्लॉग में यहाँ से एंड करता हूँ। सो गाइस अगर आपको मेरी व्लॉग मैंने जितना भी बनाया आई मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको डेली टू डेली कॉन्टैक्ट लाऊँ, कॉन्टैक्ट बोल रहा हूँ कॉन्टेंट लाऊँ, देखो बोलने भी नहीं जा रहा अब इतनी थकावट हो गई है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। अगर पसंद आता है तो तब भी बताएं, नहीं आता तब भी बताएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय माता दी।